हेलो नमस्ते दोस्तों और स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारी चैनल लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में भयंकर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी। पेट्रोल लगभग 500 रुपए लीटर चल रही है और कोई दाल 600 रुपए किलो के आसपास। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में ही पॉलिटिकल क्राइसिस भी जोरदार चल रहा है श्रीलंका में। वहां के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षा, वो भाग चुके हैं फ्राइडे रात को, मतलब परसों। और जो जनता है, जनता अब उनके घर पहुंच गई है, उनके स्विमिंग पूल में डांस कर रही है। उनके बेडरूम पे कब्जा कर चुकी है। मतलब ये दिखाता है कि जनता अगर चाहे तो जनता क्या कुछ नहीं कर सकती। तो कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है इस परिवार से, इस डायनेस्टी से, जो कि राजपक्षा, जो गोटबाया परिवार का बहुत समय से शासन चला हुआ आ रहा है। मतलब जैसे भारत में गांधी परिवार ने शासन किया है, अच्छा अब इसका फल के बारे में बात यहां नहीं करते हैं, वैसे ही ये गोटबाया का परिवार, जो राजपक्षा परिवार है, इसने श्रीलंका की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत समय तक शासन किया है। जैसे अभी गोटबाया हैं, इनसे पहले इनके महिंदा थे, है ना, महिंदा। तो इस समय इन लोगों ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कुछ दिनों 2021 में इन्होंने ऐसा तय किया था कि एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया जाएगा, मतलब पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। अब ऐसे कई सारे फेलियर स्टेप्स जो सरकार ने लिए, और सरकार की बखूबी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान उधार के ऊपर चल रहा है, वैसे ही श्रीलंका भी आधे से ज्यादा अपनी इकोनॉमी उधार पे चला रही थी। ये राजपक्षा परिवार जो है, ये 2006 में 2016 में आईएमएफ से बहुत सारा लोन लेती है। तो जब भी आप कर्ज के ऊपर चला रहे हैं अपना देश, तो आपको वो कर्ज टाइम टू टाइम चुकाना भी पड़ेगा। लेकिन जब आप वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। एक पोर्ट है श्रीलंका के आसपास जो कि चाइना की मदद के साथ बन रहा था, तो चाइना ने फंडिंग की थी। तो जब श्रीलंका वो पैसे नहीं लौटा पाया, तो चाइना ने उसी पोर्ट को 99 साल के लिए अपने पास लीज पे रख लिया। ये कर्ज धीरे धीरे देश के ऊपर बढ़ता गया और सरकार की पोल खुलती गई। मतलब जनता के सामने पता चलने लगा कि सिर्फ कर्ज के भरोसे आप देश चला नहीं सकते, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है, जो पैसा कलेक्शन है, वो ज्यादा होना चाहिए आपके खर्च की तुलना में। लेकिन यहाँ पे आपका खर्च ज्यादा है और कलेक्शन कम। सबसे नुकसान ज्यादा इनका तब हुआ जब कोरोना फैला। कोरोना के समय इनका टूरिज्म बंद हो गया, जो कि एक इनका इनकम सोर्स है। टूरिज्म के माध्यम से श्रीलंका की बहुत कमाई होती है, जो कि बहुत हद तक बंद था। इस समय एक तो एग्रीकल्चर में कहा गया कि पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करना है, केमिकल नहीं यूज करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के चक्कर में किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जो उपज थी वो उतने मात्रा में हुई नहीं ताकि आप दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें। इसके बाद रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई थी। रशिया और यूक्रेन, जैसे रशिया जो कि श्रीलंका से चाय खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन इस युद्ध के दौरान रशिया वो चाय खरीद नहीं रहा था। अब ये जो राजपक्षा परिवार है, इसने तो सिर्फ लोन लेके पूरी देश चला रहा था, और लेविस, मतलब इनको लग रहा था कि अपना छोटा मोटा जो आइलैंड वाला देश है उसका सिंगापुर बनाएंगे। मतलब सिर्फ चकाचौंध वाली सरकार, मतलब सिर्फ दूर से अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था कि मतलब हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारा देश भी अब सिंगापुर जैसा हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली ये नहीं हुआ। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सिर्फ फ्री फंड वाला जो स्कीम होता है वो बहुत भारी पड़ता है। हमारे कई राज्यों में, भारत के राज्यों में भी कई मुख्यमंत्री फ्री फंड में पैसे बांटते जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, है ना, मतलब आपको एजुकेशन सिस्टम के बाद आपको लैपटॉप मिलेगा, फोन मिलेगा क्लासेस में,
है ना। तो ये जो फ्री फंड में आप पैसा बांट रहे हैं जनता में, ये तो कहीं ना कहीं से आ रहा है और उसका बर्डन उस राज्य और उस देश पे बढ़ता जा रहा है। अब तो जब ये बर्डन बढ़ता जाएगा, जब आपकी मतलब जो आपके कर्ज हैं वो ज्यादा होते जाएंगे, तो आप कैसे प्रशासन संभालेंगे अपना, और ये फेल हुआ। अब धीरे धीरे जो ये मार्च से चल रहा है आंदोलन, श्रीलंका की जनता चाहती है कि गोटबाया जो है प्रेसिडेंट है वहां के, वो गद्दी छोड़े और जाएं, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि बस 2 साल का और टर्म बचा हुआ है, वो पूरा टर्म हम खुद ही कंप्लीट कर लेते हैं, जनता को क्या ही पता चलेगा, जनता तो मूर्ख है। लेकिन जनता सब जानती है ना। यहाँ पे जनता गौर करने वाली बात यह है कि ये मैं कहना चाहूंगा, ये श्रीलंका के इंसिडेंट को देखते हुए हर मुख्यमंत्री और हर प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि ये हाल देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आपके बेडरूम में जनता सोई हुई है, स्विमिंग पूल में छपा छप नहा रही है जनता, और आपको भागना पड़े। आपको जनता ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, मालिक ना बने, जनता बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटबाया ने हर कोशिश किया कि वो गद्दी पे बने रहे, इसलिए उन्होंने अपने भाई महिंदा को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया और रनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के पद पे बिठाया। अब यहाँ पे मतलब इनको लग रहा था कि ऐसे जनता शांत हो जाएगी और मार्च वाला जो इंसिडेंट था वो थोड़े दिन तक चुप हो गया। ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने आया श्रीलंका के दौरे पे और सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रही है। लगभग कई लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका में पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं पेट्रोल पाने के लिए, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो 500 रुपए लीटर है। कोई देश पेट्रोल या मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है श्रीलंका। इन सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए जनता बौखला गई और जनता गोटबाया के घर पहुंच गई और उनके ऑफिस भी, दोनों जगह चढ़ाई की, तोड़ फोड़ किया, अंदर तक घुस गए। और ये खबर गोटबाया को पहले ही पता थी, तो राष्ट्रपति गोटबाया पहले ही फरार हो चुके थे। अब ये जिम्मेदारी आई है श्रीलंका के जो सदन है उसके स्पीकर के ऊपर। स्पीकर का काम है कि अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, ऐसे ही संभाला जा सकता है कि मतलब कैसे चलाई जाए सरकार। इकोनॉमिक क्राइसिस तो समझ में आ रहा है कि मतलब इतने कर्ज हो चुके हैं, फॉरेन डिफिसिट मतलब जो डॉलर में जो पैसा होने चाहिए एक देश के पास चलाने के लिए वो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनली डॉलर चलता है, तो इस देश के पास डॉलर है नहीं। अगर कोरोना के समय फॉरेनर्स आए होते हैं और तब एक रिजर्व तैयार हुआ होता, तब ना आप उस पैसे को लेकर किसी देश के साथ मतलब कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, लेकिन ये रिजर्व गायब है। और इसी दौरान पॉलिटिकल क्राइसिस भी चरम पे है। जनता चाहती नहीं है कि गोटबाया सरकार चलाए, और कोई स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं। जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं तो कोई दूसरा देश श्रीलंका के साथ क्यों संबंध बनाएगा, क्योंकि उसको एश्योरेंस है नहीं कि हमको मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो अब जिम्मेदारी आई है वहां के स्पीकर पे, संसद के स्पीकर पे। स्पीकर का काम है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना, वहां पे किसी प्रकार से एक सरकार का फॉर्म तैयार करना या इंट्रीम गवर्नमेंट तैयार करना या इंट्रीम प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कराना या करना, उसके बाद ताकि एक स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल क्राइसिस जो फैली हुई है पूरे श्रीलंका में वो खत्म हो और धीरे धीरे कम से कम सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पटरी पे आए। और अगर IMF और पड़ोसी देश मदद करें तो शायद धीरे धीरे श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो पटरी पे आ जाएगी। और श्रीलंका की सरकार ने जो भी फॉल्टी स्टेप्स लिए थे रिफॉर्म्स करने के लिए वो वापस लेने होंगे, तभी इनका सरकार अच्छे रूप से चल पाएगा और प्रशासन भी अच्छे रूप से चल पाएगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश के भी उन मुख्यमंत्रियों के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी कि फ्री फंड में उधार लेके, कर्ज लेके कुछ ना दे जनता को, जनता को समृद्ध बनाए, लालची नहीं। जनता अगर समृद्ध होगी तो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी खुद खरीद लेगी, आप उनको सिर्फ लालची ना बनाए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।